हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल ऐसी महाराष्ट्रियन स्वीट्स की रेसिपी जिसका नाम है श्रीखंड। बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल ट्रेडिशनल ऐसी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दही लगाने से चक्का बनाने तक और श्रीखंड बनाने तक की पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल टेस्टी ऐसा श्रीखंड। पर 1 लीटर दूध लिया है, इसे मैंने अच्छे से उबालने के लिए, छान कर उबालने के लिए रख दिया था। तो इसमें ये एक पहला उबाल आ चुका है। जैसे इसमें ये पहला उबाल आ जाएगा, गैस की फ्लेम जो है वो हमें पूरी लो कर देनी है और 5 से 6 मिनट के लिए हमें फिर से ये दूध जो है वो इसी तरह से पकने देना है। नॉर्मली भी हम जब दही बनाते हैं तो इस तरह से हमें दूध जो है एक उबाल आने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से उबलने देना है। तो ये अब देखिए यहाँ पर उबाल आ चुका है इसमें। अब मैं ये 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से उबलने दूंगी और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है और बिल्कुल लुकवार्म ऐसा हो जाने के बाद ही हम इसमें जो है दही का, दूसरे दही का जामुन लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दूध जो है ये गरम दूध था तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ये दूध इतना ठंडा कर लेना है हमें कि जब हम ये इस तरह से उंगली डालते हैं तो हम ये बेर कर सके, यानी कि हल्का गुनगुना सा ये गरम होना चाहिए, ज़्यादा कड़क ऐसा गरम नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये उंगली डालकर मैं देख रही हूँ तो ये हल्का गुनगुना सा गरम दूध है। अब हम इसमें ये दूध जो है ये लगाएंगे हम दही के लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये आधा टीस्पून दही लिया है तो ये हम इसमें डाल देंगे। ये एक और आधा टीस्पून, बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि समर्स में जो है इसके ये 1 टेबल स्पून दही में भी दूध जो है वो बहुत ही अच्छे से जम जाता है, इसका दही बन जाता है। ये देखिए अच्छे से हमें ये एक सा कर लेना है। ये ढक्कन लगाकर 4 से 5 घंटों के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, हमारा दही जो है ये बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना गाढ़ा ये दही बनकर रेडी हुआ है, ये देखिए रेडी हो चुका है। और इसे 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए भी रख दिया था तो ये दही बिल्कुल रेडी है। ये देखिए श्रीखंड बनाने के लिए अब हमारा ये दही बनकर रेडी हो चुका है। अब मिक्सिंग बाउल ले लिया है मैंने और ऊपर से इस तरह से छन्नी रख देंगे हम और इसके ऊपर से हम कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा जो है जो हम किचन में यूज करते हैं वो इस छन्नी के ऊपर से इस तरह बिछा देंगे और हमने जो दही बना लिया है वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दही पूरा इसमें ऐड कर दिया है। 1 से 1.5 लीटर ये दही है। अब हम ये जो हमने कॉटन का कपड़ा डाला हुआ है इसे हम बांध लेंगे कुछ इस तरह से। इसके चारों कोने हमें हाथ में पकड़ लेने हैं, इस तरह से चारों कोने हमें पकड़ लेने हैं और जितना हो सके उतना पानी हमें इस तरह से हाथों से दबाकर निकाल डालना है और इसे ऊपर से हमें गांठ बांध देनी है। ये देखिए इस तरह से हमें गांठ बांध देनी है और इसके ऊपर से हमें कोई भी प्लेट जो है इस तरह से ये रख देनी है और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा वेट रख देना है जिससे कि इसका पूरा पानी जो है वो निकल जाएगा और 6-7 घंटे के लिए हमें ये इसी तरह से रहने देना है। तो ये हमें इस तरह से ऊपर नहीं रखना है, इस तरह से गांठ मार के ये हम फ्रिज में रख देंगे जिससे कि हमने जो दही इसमें पानी निकलने के लिए रखा हुआ है ये ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, इसीलिए हमें ये स्टेप करनी है। तो अब हम ये 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे पूरा पानी निकलने के लिए। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं इतना सारा पानी निकल चुका है और भी ज़्यादा इसमें पानी निकलने वाला है, तो वो मैं आप 6-7 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम मेथड से मैंने ये चक्का यहाँ पर बना लिया है। इस तरह से ये हम 7 से 8 घंटे के बाद जब ये दही देखते हैं तो इस तरह से पानी निकला हुआ ये गाढ़ा सा दही हमें मिलता है तो इसे चक्का कहा जाता है। अब हम ये चक्का कितना है इसे कटोरी के हेल्प से हमें ये मेजर कर लेना है कि चक्का हमारा कितना बना है। ये 1 कटोरी ये हम 1 मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और ये 3/4 कटोरी तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। एक स्टेप करने से क्या होता है कि हमें चीनी हमें इसमें कितनी यूज करनी है वो हमें समझ में आता है। तो चीनी के मेजरमेंट के लिए हमें ये हमने जो चक्का निकाल लिया है वो कितना है कटोरी से वो नाप लेना है। तो
एक कटोरी और दूसरी 3/4 कटोरी हमने इसमें हमें ये चक्का मिला है, तो इसमें हम उतनी ही चीनी ऐड करेंगे पीसी हुई। ये देखिए ये एक कटोरी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये दूसरी 3/4 कटोरी चीनी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और विस्कर की हेल्प से हमें ये अच्छे से विस्क करके अच्छे से एक सी कर लेनी है चीनी और ये चक्का हमने जो दही का बना लिया है ये। तो इस तरह से हम जितना चक्का है उतनी ही चीनी डालते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बैलेंस ऐसा ये हमारा श्रीखंड बनकर रेडी होता है। तो ये एक टिप है कि जितनी हम चक्का बना है उतनी ही हमें ये चीनी यूज करनी है, तो इसे हमें अच्छे से एक सा कर लेना है और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए विस्कर से हमें अच्छे से इसे विस्क कर लेना है। बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में ये आना चाहिए। चीनी और चक्का अच्छे से एक सा कर लिया है, अब हम इसे इस तरह से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे। 5-6 मिनट के लिए हमें अच्छे से इसे विस्क कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से रई से ये घुटने की वजह से बहुत ही बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है। अब हम इसमें हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैजू, बादाम, पिस्ता और ये जो चारोली होती है ये लिए है, थोड़ी थोड़ी सभी लिए है एक एक स्पून भर के। तो ज्यादा ड्राई फ्रूट्स डालकर ही मेरे घर में इस तरह से श्रीखंड जो है वो पसंद है, तो ये ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 1/8 टीस्पून जायफल जो होता है नटमेग इसकी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमें एक सा कर लेना है। और यहाँ पर हमारा ये बहुत ही बढ़िया क्रीमी ऐसा श्रीखंड बनकर रेडी हो चुका है। इसका कंटेनर ले लिया है और इसमें हम ये श्रीखंड जो है ये ऐड कर देंगे और इसे हमें फिर से 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है, जिससे कि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा श्रीखंड बनकर रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से हम कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। हमारा ये श्रीखंड बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही इजी और डिलीशियस ऐसा हमारा ये डेजर्ट बनकर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।